हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और सीएसएस की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। और इस क्लास में मैं आपको मीडिया के बारे में बताऊंगा, जो कि एक सीएसएस 3 की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मैं भूल रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब मैंने ओवरव्यू लिया तो मुझे याद आ गया कि ये प्रॉपर्टी भी हमने करनी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं अपने डेस्कटॉप पे या पीसी पे या टैबलेट या स्मार्टफोन पे, तो उस वेबसाइट का इन तीनों डिवाइसेस पे लेआउट डिफरेंट सा होता है। वो यही होता है, मीडिया टाइप के ज़रिए ही हम इसको सेट करते हैं कि जब स्क्रीन साइज इतना हो तो इस तरह इसका लेआउट हो, या स्क्रीन साइज इतना हो तो इसका लेआउट चेंज हो। ये मीडिया होती है, मीडिया स्क्रीन की प्रॉपर्टी है सीएसएस में, तो उसके ज़रिए हम इसको सेट करते हैं। तो इसके लिए हम अपनी एक वेबसाइट में जितने भी टैग्स ओपन कर यूज़ करते हैं, एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि इमेज हो गया, पी टैग हो गया, ए टैग हो गया, या लिस्ट वगैरह जो भी है, हम फिर वो अलहदा से सिर्फ सीएसएस में ही डिज़ाइनिंग करते होते हैं। बाकी हम एचटीएमएल के कोड को ज़्यादातर नहीं छेड़ते। अगर उसमें कुछ चेंजिंग करने में पड़ जाते, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर हम यही समझ लें कि हम सीएसएस में ही डिज़ाइनिंग करते हैं। हमारे सीएसएस के दो कोड बन जाते हैं कि एक डेस्कटॉप के लिए, एक फिर इन के लिए कि स्मार्टफोन है या टैबलेट है, या मतलब हम स्क्रीन साइज़ का ही फ़र्क देखते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम वहाँ पे कैसे देखते हैं। तो मैंने कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है मैंने जो बनाई है इस वक्त। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये कैसे मैंने किया है। यहाँ पे पहले तो मैंने यहाँ पे ये किया है कि सबसे पहले मैंने एक न्यू यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई है मीडिया HTML के फॉर्मेट में। उसके बाद मैंने यही मीडिया CSS के फॉर्मेट में एक एक्सटर्नल शीट में बनाई हुई है। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इसी मीडिया जो HTML की फाइल है इसके अंदर मैंने एक div टैग के अंदर p टैग लिया है, उसके अंदर मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। अब मैंने इसकी स्टाइलिंग की है, ये मैंने स्टाइलिंग की है मीडिया क्लास को कॉल करके, बैकग्राउंड दिया है, उसको कलर दिया है और बॉर्डर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने ये लिया है कि एट मीडिया स्क्रीन, ये इसका आप साइन टेक्स्ट समझ लें, क्या इसका साइन टेक्स्ट क्या है मैं रिमूव करके फिर बताता हूँ कि एट मीडिया स्क्रीन ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद हम इसके अंदर जिस टैग स्टाइलिंग करना चाहते हैं उसके अंदर हम लिखते होते हैं, जैसा कि ये मैंने पी टैग लिया है, सिर्फ उसकी स्टाइलिंग मैंने की हुई है। ये इस देखें मीडिया स्क्रीन ब्रैकेट ओपन क्लोज, उस इस विद इन क्लोजिंग ब्रैकेट्स हम ये काम करेंगे। तो इसी तरह अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने क्या लिया कि जब हम किसी अपने डिवाइस पे वेबसाइट को यूज़ कर रहे होंगे तो हमारी फॉन्ट फैमिली ये हो और उसके फॉन्ट साइज़ हमारा ये हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम उसका प्रिंट लेंगे, यहाँ पे चाहिए कि जब हम उसका प्रिंट लेंगे एड मीडिया से तीन प्रिंट, उसके लिए क्या हो, उसके लिए ये हो कि फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए थोड़ी सी, उसके बाद फॉन्ट साइज़ भी कम हो जाए, कलर ब्लू हो जाए। एक बात याद रखें कि हम जब सीएसएस में अक्सर प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, जब किसी वर्ड में स्पेस हम नहीं देते होते, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे हम स्पेस दे सकते हैं। और अब ये इसमें क्या फ़र्क है, अब मैं यहाँ पे गूगल ग्रुप में आप यहाँ पे देख लें कि ये मेरा कैसा यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जब मैं इसका प्रिंट लेता हूँ, प्रिंट तो कैसे होगा, प्रिंट मैं तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं आपको प्रिंट व्यू दिखा देता हूँ। कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, ये प्रिंट व्यू, ये देखें ये प्रिंट व्यू शो हो रहा है, अगर आप देख सकें तो। जैसा कि मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था कि इसका ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाए और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो जाए, तो ये यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्या ये प्रिंट व्यू है मेरा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम आते हैं इस, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने एक और चीज़ लिया है मीडिया स्क्रीन, एंड इसके अंदर मैंने कुछ विड्थ डिफाइन किया है कि मिनिमम विड्थ जो हो 180 पिक्सल, मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल। जब इसके दरमियान में हमारी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, हाई 200 पिक्सल की होगी, विड्थ 200 की होगी, बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल सॉलिड येलो होगा। ये बॉर्डर कहाँ पर आएगा, मैंने पी टैग पर अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मेन बॉर्डर हमें लगाया है सॉलिड डॉट, उसके अंदर एक और बॉर्डर शो होगा। इसी तरह जब मिनिमम वेट 180 पिक्सल हो और मैक्सिमम वेट 900 पिक्सल हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये हो क्या, हाइट 400 पिक्सल की होगी, वेट 200 की, और बॉर्डर मेरा ये शो होगा येलो कलर का। ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगाई हैं कि इस तरह ये शो हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब तो ये मेरी फुल स्क्रीन है,
यहाँ पे जैसा कि मैंने वहाँ पे इस तरह लगाए हैं मीडिया स्क्रीन के अंदर हाइट विथ, यहाँ पे वो कुछ नहीं शो हो रहा, सिर्फ जो कि मैंने मेन टैग के अंदर यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड या दिया है सिर्फ वही शो हो रहा है, क्योंकि मेरी जो मैंने इस वक्त जो मैंने स्क्रीन साइज रखा हुआ है वो इन दोनों पे अप्लाई नहीं हो रहा, इन दोनों किसी पे भी वो नहीं आ रहा। तो अब मैं जूँ इसको रिसाइज करता हूँ अपने ब्राउज़र को, ये रिसाइज हो गया, अब मैं इसको यहाँ से इसकी विड्थ कम करना चाहता हूँ। ऐसा ऐसा ये देखें आप क्या इस पर फ़र्क नज़र आता है यहाँ पर, ये अब यहाँ से 900, ये 900 से थोड़ी, ये 900 है इस वक्त, ये कम होगी तो देखें क्या हुआ। उसकी विड्थ 400, सॉरी इसकी हाइट जो है वो 400 होगी लेकिन इसकी विड्थ 200 ही है, ये देखें 200 ही विड्थ है उसकी, ये है आप देखें जैसे मिनिमम जो है इसकी 180 हो गई। ये है हमारी मीडिया स्क्रीन, जब जो ही मैं इसको जब क्योंकि हम किसी वेबसाइट को जब मुख्य डिवाइस पे ओपन करते हैं तो उनकी स्क्रीन साइज में फ़र्क आता है, और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए यही यूज़ होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ये वेबसाइट होती है कि जब हम उसको किसी भी डिवाइस में जैसा कि अपने पीसी में या टैबलेट या स्मार्टफोन में ओपन करते हैं तो उसके लेआउट में कोई ख़राबी ना आए, कोई मसला ना आए, कि हमें समझ भी ना आए कि इसका लेआउट क्या है, लेकिन ये कि चेंजिंग तो हो जाती है, कुछ चेंजिंग जो हो रही हैं वो ये हमें भी समझ आए और जो यूज़र होता है उसको भी अच्छी लगे। तो अब मैं एक और आपको ये बताता हूँ, ये होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और जो इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रही होती वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होती। ये मेरे पास कुछ शायद हो, ये मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ये मैंने एक पेज बनाया था, ये देखें ये मैंने पेज बनाया था, अब ये पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब ये समझ लें कि ये जो मैंने छोटी छोटी सी साइट एज ए प्रोजेक्ट बनाई हुई है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब ये तो यहाँ पर बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ये मैंने इसकी स्क्रीन फुल रखी हुई है, जूँ ही मैं इसको स्क्रीन साइज कम करता हूँ, ये देखें स्क्रीन साइज में इसको कम करता हूँ, ये आप इसको देखें जो मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार लगाई है ये क्या होगा इसे, ये देखिए ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, क्या हुआ है स्क्रीन साइज जब कम हुआ है तो उसका क्या हुआ है कि उसका जो टेक्स्ट है वो नीचे शो हो गया। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो एक रिस्पॉन्सिव तो वेबसाइट ना हुई। और उसके अलावा ये देखें, अगर ये आप ये ना समझें कि ये मेरी इमेज का साइज़ कम हो रहा है, इमेज का साइज़ कम नहीं हो रहा, नीचे कर्सर जो सॉरी मैं स्क्रॉल बार नीचे आ गए, ये देखें ये इमेज मूव कर रही है, ये स्क्रॉल बार आ रहा है। तो ये है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कि क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट। इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो कि मैंने आपको मीडिया स्क्रीन के बारे में बताया है वही उसको हम यूज़ करते होते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर एक बात बता दूँ, ये देखें जो ही मैं इसकी विड्थ को रिसाइज कर रहा हूँ तो ये इस पर कुछ इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, ये देखें। इसी तरह आप ये तो मैंने सिर्फ पी टैग लिया था, ये अगर आप देखें मीडिया के अंदर मैंने एक पी टैग लिया था तो इसी तरह लिए मैंने सिर्फ पी टैग पे ही ये काम किया है। अगर आपके पास और काफ़ी टैग्स हैं जैसे कि इमेज टैग हो गया या काफ़ी डिव टैग लेते हैं आप, कोई कुछ बॉक्स वगैरह बनाने के लिए कोई लिंक्स लेते हैं या कोई लिस्ट लेते हैं, तो फिर आपने जैसा कि जैसा आपको मुनासिब लगे कि इसके स्मार्टफोन पे इसका लेआउट इस तरह आना चाहिए तो आपने वो उसी टैग को लेके मीडिया स्क्रीन के अंदर आपने वहाँ पे चेंजिंग करनी होगी, तो ये फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, मैं ये चाहता था कि आपको ये भी मैं समझा दूँ, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि मीडिया स्क्रीन क्या होती है। CSS मीडिया, ये CSS3 की प्रॉपर्टी तो नहीं, मतलब है कि हम इसको दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, पर ये तो नहीं कि CSS3 में आई थी, ये CSS2 में भी ये मौजूद थी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम अगली क्लास में।